सभा में उपस्थित विद्वद्गण, मेरे सहकर्मी, प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हाँ, अभी सर ने कितना अच्छा डिटेल में, कितना विस्तार में आपको G20 वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताया। तो उनकी जब वो बता रहे थे तो मैं भी प्रेरित हुई कि मैं भी थोड़ा अपने विचार इस विषय पर। वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जैसे सर ने भी बताया, ये उपनिषदों से लिया गया है। भारतीय संस्कृति, भारतीय वांग्मय, वांग्मय कहते हैं लिटरेचर, भारतीय वांग्मय से ये नारा है, ऋषि मुनियों की देन है। आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि, ये सनातन नारा है, ऋषि मुनि उनका ये मानना था कि सारा सब मानव एक है, जाति धर्म संप्रदाय ये बाद की बातें, तो सारा विश्व, विश्व में पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, मानव भी है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा समस्त एक कुटुंब है। देश की सीमाओं बाद में है, देश की सीमाएं अलग अलग देशों की सीमाओं में मनुष्य ने बांटा, लेकिन मानव सभी देशों में एक है, तो इसलिए कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व, सारा संसार एक कुटुंब है। जब ऐसे हम सोचेंगे तो लड़ाई की बात ही कहाँ रही, युद्धों की बात ही कहाँ रही। राष्ट्रीयता में जब बांट दिया, राष्ट्रीयता का भाव होना अच्छी बात है, लेकिन ये भी मानवता को एक संकुचित दृष्टिकोण में बांधता है। आज युद्ध हो रहे हैं विश्व भर में, राष्ट्रीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन ये जो नारा है वसुधैव कुटुंबकम, जब ये भावना आएगी तो ये चीज़ें स्वतः दूर हो जाएंगी, अपने आप दूर हो जाएंगी, कि सारे अपने ही हैं, कोई पराया है ही नहीं, सब मानव है। और इसी पर ध्यान देते हुए एक और उनका नारा था, सर्वे भवन्तु सुखिना। वसुधैव कुटुंबकम जब उन्होंने नारा दिया, इसके साथ साथ ये भी दिया था, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हों, यानी जितने भी धरती पर जीव है सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सब निरोग हो, सब, यानी ये नहीं कि किसी एक देश के लोग या किसी एक धर्म के लोग, सभी देशों के लोग, सब मानव समुदाय, सर्वे संतु निरामय, सब निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुखी हो। निरोग का मतलब होता स्वस्थ हो, मैंने कहा ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सभी निरोग हो, सभी